आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो एमोलेड फोन्स यूज करते होंगे एंड काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एलसीडी पैनल वाले फोन यूज करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डिस्प्ले कैटेगरीज वाइज वॉलपेपर बताने वाला हूँ। आइदर आपके पास एमोलेड पैनल वाला फोन हो या फिर आपके पास एलसीडी पैनल वाला फोन हो, दोनों ही डिवाइसेज में जितने भी मैं वॉलपेपर्स बताऊंगा वो सभी परफेक्ट दिखेंगे। तो इस वॉलपेपर को देख सकते हैं एज अ सैंपल। थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड करने में क्योंकि इन सभी की फाइल्स साइज होती है एमबीज में। इस वॉलपेपर का रिजोल्यूशन आप लोग देख रहे हैं, ये एक 10K वॉलपेपर है। यहाँ से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एज यू कैन सी रिजोल्यूशन से मल्टीप्लाई करके। इसको आप लोग कितना भी जूम कर लीजिए बिल्कुल भी पिक्सलेटेड नहीं होगा एंड इसका आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं जस्ट टैप करके। तो इस एप्लीकेशन में आप लोग कैटेगरी वाइज भी वॉलपेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सभी कैटेगरीज आपको दिख जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट, फ्लूइड्स की, स्टॉक की, फ्लैट की, ग्रेडियंट की, एमोलेड वॉलपेपर, इलस्ट्रेशन वॉलपेपर, लैंडस्केप, काफी सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। एंड एक और बात, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। जो भी मेरे को बेस्ट एप्लीकेशन लगता है उसके बारे में आप लोग के लिए वीडियो बना देता हूँ। फ्री होते हुए भी इसके अंदर कोई भी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, केवल एड्स का एक छोटा सा बैनर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी IPS LCD पैनल्स वाले डिवाइस होते हैं, फोन्स होते हैं, उनमें फ्लैट वॉलपेपर ही सूट करता है। डार्क वॉलपेपर लगाएंगे तो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगेगा। डार्क वॉलपेपर बेसिकली एमोलेड डिवाइसेस में ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू IPS LCD पैनल। तो काफी लोगों को ग्रेडियंट वॉलपेपर बढ़िया लगते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडियंट की भी कैटेगरी मिल जाती है। इस एप्लीकेशन में वॉलपेपर कभी खत्म नहीं होंगे, जस्ट आपको सी मोर पे क्लिक करते रहना है, वॉलपेपर लोड होते जाएंगे। ये मेरे पास जो डिवाइस है यह है सैमसंग गैलेक्सी M21, इसके अंदर आपको मिलता है एमोलेड पैनल। तो देखेंगे, मैंने लॉक स्क्रीन पे एक वॉलपेपर सेट करके रखा है, कितना ज्यादा बढ़िया लगता है वॉलपेपर आप लोग देखिए। मेरे ग्लास गार्ड की वजह से आपको वीडियो अच्छी ना दिखे लेकिन ये वॉलपेपर काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो ऐसे ही कुछ आप लोग को वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे एमोलेड कैटेगरीज में। इनका यूज अगर आप लोग अपने फोन में करेंगे एमोलेड वाले फोन में, तो डेफिनेटली आपके फोन की बैटरी यहाँ पे सेव होने वाली है क्योंकि एमोलेड कैटेगरी वाले वॉलपेपर जितने भी होते हैं वो सभी डार्क ही होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कलर मैं टैप करके चेंज कर सकता हूँ। वेट करिए, लोड हो गया वॉलपेपर, जस्ट इस पर टैप करना एंड इसका कलर चेंज होता रहेगा। एंड इसका रिजोल्यूशन भी देखेंगे तो अराउंड 10K रिजोल्यूशन है। IPS LCD पैनल में आपको मतलब मिक्स्ड वॉलपेपर बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बिग SUR है, इसका वॉलपेपर देखेंगे आप लोग। ये सभी वॉलपेपर्स आप लोग अपने IPS LCD डिस्प्लेज वाले फोन्स पे यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन लगेंगे। इस टाइप के वॉलपेपर्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मैं डेडिकेटेड IPS के लिए बता रहा हूँ, आप लोग इसको एमोलेड फोन्स में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये वॉलपेपर मेरे को काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है एंड अब इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको लाइक करने का ऑप्शन मिलता है, इसको शेयर भी कर सकते हैं यहीं से, सेट एज होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन बोथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वॉलपेपर सेट सक्सेसफुली एंड इसको मैंने बहुत होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पे अप्लाई कर दिया है। इस एप्लीकेशन में बेसिकली वॉलपेपर को सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लॉक स्क्रीन पे कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है इसका बैकग्राउंड रेड में। एंड यहाँ पे होम स्क्रीन पे देखेंगे तो होम स्क्रीन पे जो रेड बैकग्राउंड है उसमें भी काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो आप लोग इस वॉलपेपर एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हैं एंड ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। इस एप्लीकेशन का नाम है प्रिज्म, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये है पिंक कलर का, इसका आइकन देखने को मिलेगा, पी लिखा हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice.